नमस्कार दोस्तों, मैं सागर तलवार फिर आया हूँ नए वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के बारे में, गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में। अगर आप वीडियो बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल पाए। तो वीडियो के एंड तक बने रही है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहां टूट गया औरंगजेब का गुरूर, जहां जीत गया गुरु का अभिमान, जहां धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने दी थी शहादत, जहां सिखों के नौवें गुरु ने दिया था जीवन का बलिदान, दिल्ली के उस पावन गुरुद्वारे को शत शत प्रणाम। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सबसे पुरानी मार्केट चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कभी गुरुद्वारा सीसगंज साहिब नहीं गए तो ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ की अरदास का अंदाज आपका मन मोह लेगा। शब्द का सुर आपको गुरु तेग बहादुर जी के नज़दीक होने का एहसास करवाएगा। साथ ही हजारों लोग यहाँ पर रोजाना दर्शन के लिए आते हैं, जो कि मन में अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए साहिब से अरदास करते हैं। दोस्तों, मुगलों की विरासत लाल किले से सामने बना गुरुद्वारा सीसगंज साहिब बुराई की हार और सच्चाई की विजय का एक आदर्श माना गया है। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दिल्ली में मौजूद 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है। 1783 यानी 1783 में बघेल सिंह ने नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया था। तो चलिए दोस्तों, अब गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के इतिहास के बारे में जानें। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दिल्ली में मौजूद 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारे में से एक है। यह पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। दोस्तों, 1783 में बघेल सिंह ने नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने जबरदस्त आतंक फैलाया हुआ था, उसके आदेश पर सभी कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित किया जाने का हुक्म था। उस समय सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब, जो कि अब पंजाब में है, वहाँ रहते थे। तो दोस्तों, अगर हम शहीदी के समय की बात करें, सभी कश्मीरी पंडित गुरु जी के दरबार में पहुँचे और उनसे हिंदुओं को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए विनती करने लगे। और तब गुरु जी के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी, जो कि उस समय मात्र 10 साल के थे, उन्होंने अपने पिता से कहा, इस समय परिस्थितियाँ किसी महान शख्स की शहादत मांग रही है और आपके अलावा यहाँ कोई नहीं है जो यह बलिदान दे सके। और साथ ही दोस्तों, पुत्र की समझदारी भरी बात सुनकर गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने साथ 5 संगियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। और दिल्ली आने पर जब गुरुजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इस्लाम स्वीकार करने से और अपना धर्म बदलने से मना कर दिया, तो 11 नवंबर 1675 को उन्हें मौत की सज़ा दी गई। और दोस्तों, गुरुजी को यह शहादत गुरुद्वारा सीसगंज साहिब की जगह पर सुनाई गई थी। एक जल्लाद जलालुद्दीन जल्लाद ने उनको निष्पादन किया। उनको जहाँ पर निष्पादन किया गया, वह एक बरगद का पेड़ था। तो दोस्तों, यह कहा जाता है कि जब गुरुजी की मृत्यु हुई तो उस समय कोई भी उनके शरीर को ले जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी भारी बारिश हुई और उनके चेले उनके शरीर और उनके सर को लेकर गए। उनके सर को चक नानकी में ले जाया गया और उनका शरीर जहाँ आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है, वहाँ पर ले जाया गया था। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शरीर सार्वजनिक ना किए जाने का आदेश दिया था। तब गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को देने से मना कर दिया था, तो उनके एक चेले लक्खी शाह वंजारा ने अंधेरे की आड़ में गुरु जी के शव को वहां से ले गए थे। और दोस्तों, आपको बता दूं, गुरु जी के शव को दाह संस्कार करने के लिए उसने अपने घर को ही जला दिया था और साथ ही गुरु के शव का भी अंतिम संस्कार हो गया था। यह जगह आज एक गुरुद्वारे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के नाम से मशहूर है। और दोस्तों, गुरु तेग बहादुर के कटे हुए सर को उनके एक चेले जैता द्वारा आनंदपुर साहिब ले जाया गया। कहते हैं, जब जैता गुरु जी के शीश के साथ गोविंद राय के समक्ष पहुंचे तो वह बोले, जैता गुरु का बेटा, वहां पर गुरु तेग बहादुर के छोटे बेटे गुरु गोविंद राय ने शीश का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के निर्माण के बारे में, तो कहा जाता है 11 मार्च 1783 यानी 1783 में सिख मिलिट्री के लीडर बघेल सिंह अपनी सेना के साथ दिल्ली आए और वहां उन्होंने दीवाने आम पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने सिखों के ऐतिहासिक स्थान पर गुरुद्वारा बनाने की बात मान ली और गुरुद्वारा बनाने के लिए रकम भी दी। और दोस्तों, 8 महीने बाद 1783 में सीसगंज गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। इसके बाद कई बार मुसलमानों और सिखों में इस बात का झगड़ा रहा कि इस स्थान पर किसका अधिकार है, लेकिन ब्रिटिश राज ने सिखों के पक्ष में निर्णय लिया और साथ ही गुरुद्वारा सीसगंज साहिब को 1930 में पूर्ण व्यवस्थित किया गया था। सो आखिर में दोस्तों, बलिदान की इस धरती पर गुरु तेग बहादुर जी के रक्त से लिखा गया देश का इतिहास, इस पावन धरती को हम शत शत नमन करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।